वेलकम बैक टू चैनल कैसे आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे सो so गाइज आ गई हूँ मैं फिर एक अनदर रिव्यू वीडियो लेके जैसे कि आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो में एन तक बने रहिएगा आप लोगों तो के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो ये हो सकती है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक भी करना तो फटाफट आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो लेस के स्टार्ट मैं बात कर रही हूँ नोवा का टू इन वन स्ट्रेटनर प्लस कर्लर सो आप लोग पैकेजिंग देख लो ये ही पैकिंग में मुझे सेम पैकिंग में मुझे रिसीव हुआ है एंड आई डोंट नो क्यों तो मैंने ये मीशो से बाई किया था एंड फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा कुछ रिसीव हुआ है मतलब पैकिंग बहुत बुरे तरीके से इन्होंने दिया है ये देखो आप ये पूरे तरीके से टूटा हुआ डब्बा उन्होंने भेजा है चलो मैं वो साइड रखती हूँ तो यहाँ पर मैंने बाय किया है नोवा का टू इन वन ब्यूटी हेयर स्ट्रेटनर प्लस कर कर्लर दोनों आपको मिलता है ठीक है एंड यहाँ पे सारा कुछ आपको यहाँ पे मेंशन है देन यहाँ पर भी आपको यह कि आपको कर्ल कैसे करना है स्ट्रेट कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप इन्होंने समझाया है देन यहाँ पर आपको कुछ कुछ इसमें मैंसन कर रखा है अगर आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो तो चलो मैं आप प्रोडक्ट में डायरेक्टली जाती हूँ ये है वो स्ट्रेटनर प्लस कर्लर तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको मिलता है एंड इसका ये वायर है वायर की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है एंड ये देखो आप इसकी प्लग भी बहुत अच्छी है एंड सबसे अच्छी बड़ी बात ये थ्री सिक्सटी रोटेटेड होता है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये बहुत अच्छे से रोटेट होता है ये होता है ना तो आप बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए कर्लर या फिर स्ट्रेटनर करने के लिए तो ये देखो आप एक मिनट मैं आप लोग को दिखा देती हूँ तो ये देखो आप कुछ इस टाइप का है ये 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 आपके बालों को स्ट्रेट भी करता है देन कर्ल भी करता है टू इन वन है सो मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी लेने के लिए तो मैंने सोचा चलो मैं ले लेती हूं और मैं आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर कर दूंगी कि ये अच्छा है कि नहीं आपको लेना चाहिए कि नहीं ठीक है एंड इसका एक्चुअल प्राइस मैं स्क्रीन पर डालूंगी आप लोग देख लेना प्लिस यहां पर देखो यहाँ पर आप दे रखा है लॉक एंड ओपन का ऑप्शन यहाँ पर जब इसको आप ऊपर करोगे साइड में तो ये लॉक हो जाएगा अभी तो ये स्ट्रेटनर है ये क्या करना है इस बालों को आपको स्ट्रेट करेगा ठीक है एंड हमारे बाल को कर्ल करने के लिए जब आपको करना है तो आपको क्या करना है इस टाइप से स्ट्रेट को ऑफ करना है देन यहां से आपको क्या करना है इसको कर देना ऊपर साइड में लॉक यहाँ से आप जब ऊपर साइड में लॉक करोगे तो ये डेफिनेटली लॉक हो जाएगा देखो आप ये हो गया ना कर्लर के पोजीशन में आ चुका है तो आपको आप ना इससे आप कर्ल इजीली कर सकते हो एंड यहां से आप देखो लाइट एंड ऑन ऑफ का बटन दिया है यहां पर आपको ऑन ऑफ जो भी जैसे आप करना चाहते हो वो कर सकते हो एंड इस पे ये बोला आपको बालों को इस टाइप से करना है एंड ये आपके बाल को कर्ल करेगा अगर ये वर्क करेगा तो काफी ज्यादा ईजी एंड और बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली हो जाएगा आपको अलग अलग स्ट्रेटनर एंड कर्लर कैरी करने का नीड नहीं होगा आप एक ही में ये दोनों आपको तो आप उनके काम आ जाएंगे तो अभी कि इसका ये होता है कि इसको नीचे पुल तो ये लॉक ओपन हो जाएगा एंड ये एज अ स्ट्रेटनर आप यूज कर सकते हो ठीक है तो अभी मैं अपने बालू को स्ट्रेट करके आप लोगों तो को दिखाती हूँ कि कैसा ये वर्क कर रहा है एक्चुअल में साइज अभी मैंने अपने बैकग्राउंड का लाइट ऑफ किया क्योंकि इसको मुझे ऑन करना था तो आप देख सकते हो यहाँ पर ना एक रेड लाइन चल रहा है यस yes, यहाँ से ये लेड लाइट ऑन हो रखा है इसका मतलब है ये ऑन हो रखा है एंड ये हीट भी होना स्टार्ट हो चुका है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए एंड स्पेशली कर्लर के लिए क्योंकि मुझे ना एक अच्छा सा कर्लर चाहिए था कि तो अगर कोई ये अच्छे से वर्क करेगा ये कर्ल करता है मेरे हेयर को तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा तो यस yes, ये हीट हो चुका है गाइस ये अच्छे से हीट हो रहा है तो इसको मैं एक मिनट के लिए रखती हूँ पहले अच्छे से हीट होने के लिए तो गाइस अभी मैं अपने इस वाले बाल को देखती हूँ मेरे बाल तो ऑलरेडी स्ट्रेट हैं तो ऐसा कुछ खास पता नहीं चलेगा बट तो मैं फिर भी करके देखती हूँ ठीक है एंड ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया है यहाँ से मैं उसको पकड़ती हूँ आप ना कुछ अच्छे से इसको आप इसको आप पकड़ना क्योंकि ये काफी ज्यादा हीट हो चुका है ये इसमें आपके हाथ भी जल सकते हैं तो अभी मुझे गलती से यहाँ पे थोड़ा सा लग सा गया तो आप प्लीज इसको ढंग से आप लोग यूज करना अगर आप ले रहे हो तो सो अगर मैं इसके स्ट्रेटनर की बात करूं तो भाई आप थोड़े बहुत आप डिफरेंट देख सकते हो इधर वाले या इधर वाले बाल में तो ये स्ट्रेटनर वर्क कर रहा है और ये देखो आप इस टाइप से लेकिन इसमें मुझे क्या ये काफी ज्यादा आपको यहाँ पर ये देखो आप आपके बाल ना बहुत इजिली ऐसे करके निकल जा रही है देखो आप तो मुझे नहीं लगता ये स्ट्रेटनर इतने अच्छे से वर्क करेगा एंड आई डोंट नो मैं कुछ बोल नहीं सकती तो स्ट्रेटनर तो मुझे ओके ओके लगा है इतने अच्छे से मुझे नहीं लग रहा है, ये बालों को स्ट्रेट करेगा बट आई विल ट्राई कर्लर सो फर्स्ट सबसे पहले मैं इसको ना लॉक कर देती हूँ तो आप ये ना लॉक हो चुका है एंड इससे अब मैं कर्ल करूँगी सबसे पहले मैं इसको थोड़ा देर और रखती हूँ हीट होने के लिए थोड़ी देर बाद में फिर इसको इससे मैं अपने बालों को कर्ल करूँगी सो so गाइज़ आप देख लो मैंने इतने अपने हेयर को निकाल दिया है एंड अब मैं इससे कर्ल करूँगी तो यहाँ पर आपको ये देखो आप ये है ना इसको ऐसे करके निकालना है एंड अपने बालों को इस टाइप से आपको ये देख रहे हो आप बहुत ही ध्यान से आप उन्हें करने हैं क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि आपके हाथ जल भी सकते हैं गाइज़ तो so प्लीज़ आप लोग अच्छे से करना एंड इसको बस आप लोगों को छोड़ देना है ठीक है एंड यहाँ से तो आप थोड़ी देर पकड़े रहो एंड आई थिंक आप फिफ्टी या फिफ्टी सेकेंड या फिर वन मिनट आप थोड़ी देर वेट कर कर लो अच्छे कर्ल्स आपको चाहिए तो एंड आई एम सुपर एक्साइटेड गाइस आई डोंट नो कैसा आएगा देखते हैं कैसा आता है तो गाइस अभी मैं इसको ओपन करती हूँ ठीक है एंड बहुत ही स्लोली सा आपको इसने ओपन करना है माई गॉड गाइज ये वर्क कर रहा है लुक एट दिस बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसने कर्ल दिया है मुझे ओ माई गॉड गाइस सच में ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है कर्लर जो उसका है ना बहुत ही अमेजिंग वर्क कर रहा है यू कैन सी माई कर्ल्स आई एम वेरी वेरी हैप्पी नाउ एंड अभी मैं अपने और बालों को कर्ल करके देखती हूँ एंड गाइज हाँ ये अगर ज़्यादा ये हीट होता है ना तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से ऑफ हो जाएगा ठीक है ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है तो ये मुझे अच्छी लगी ये बात एंड गाइज ये कर्लर के लिए तो बेस्ट है बेस्ट अभी ना मैं अपने और बालों को थोड़े बहुत करके देखती हूँ कैसा वर्क कर रहा है सो so, आपने क्या करना है बालों को ना थोड़े थोड़े ही सेक्शन लेने हैं इससे क्या होगा ना कि इस टाइप से आपको करने हैं एंड इस टाइप से आपको बस आपको रोल करना है ठीक है ये देख रहे हो आप इस टाइप से आपको अपने बालों को बहुत ही तो वाइज अभी मैं इसको ओपन करती हूँ माई गॉड गाइज सच में ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कर्ल्स दे रहा है बहुत ही अमेजिंग ये वर्क किया है स्ट्रेटनर वाला मुझे इतना पसंद नहीं आया है क्योंकि स्ट्रेटनर का मुझे अच्छा से दिख नहीं रहा कि वो अच्छे से वर्क कर रहा है बट गाइस ये एज अ कर्लर सुपर है कर्लर को मैं टेन ऑफ टेन दूंगी आप देख लो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल कर्ल दे रखा है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है एंड हाँ मैं आप लोग को एक और बात बता देती हूँ आप ये कर्ल कर रहे हो तो आप क्या करना इसको यूज़ करने के बाद इस पर जरूर आप अपना एक हेयर सेटिंग स्प्रे यूज कर लेना चाहिए अच्छे से, से सेट हो जाइए कर्ल्स ये देखो आप कितना ब्यूटीफुल कर्ल कर रहा है ये तो गाई जैसे कि आप अभी मैंने आप लोग को बताया कि ये कर्ल्स वाला बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है यू कैन सी माई कर्ल्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है तो आप ये ना बाय कर सकते हो डेफिनेटली बाई कर सकते हो एंड मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ कि स्ट्रेटन वाला इतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है मतलब कि इतने अच्छे से आपको एकदम पोकर वाला स्ट्रेट तो नहीं देगा बट हाँ नॉर्मल स्ट्रेट ये कर देगा एंड अगर आप कर्ल के लिए लेना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली बाई दिस बहुत अमेजिंग बहुत बहुत अमेजिंग वर्क कर रहा है इसने एंड बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली यू कैन बाय दिस कोड में दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप वहाँ से जाके डेफिनेटली बाई कर सकते हो ओवरऑल इसको को मैं दूंगी कलर को मैं तो टेन ऑफ 10 दूंगी लेकिन स्ट्रेटनर को मैं टेन में से फ, आ, मार्क दूंगी क्योंकि ये इतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था एज अ स्ट्रेटनर एंड आप यूज़ करो तो थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो ये वाला एरिया भी है ना यहाँ का ये एरिया बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हो या कुछ भी क्योंकि ये बहुत हीट हो जाता है तो आपके हाथ जल सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है यहाँ से लॉक कर देना है इसने एंड जब भी आप करोगे तो इस टाइप से इसको प्रेस करोगे अपने बालों को तो इस टाइप तो में रोल करके बस सिंपली आपको छोड़ देना है बहुत अच्छे से आपको ये कर्ल प्रोवाइड कर देता है एंड मैं तो आपको ये हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ क्योंकि आपने जैसे कि वीडियो में देखा कि बहुत अच्छे से वर्क किया इसने एंड पैसे के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो मैं चाहूंगी आप लोग भी ये बाइक करो तो ऐस कैसे आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी होगी तो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लाते रहूंगी सो so, आज के लिए इतना मिलते तो फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में